हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की अध्याय 1 की हम चर्चा करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रवण को साफ क्यों किया जाता है। तो आप लोग सब एक बात जानते हैं कि मैग्नीशियम एक क्या है, धातु। मैग्नीशियम जो है एक क्या है, धातु। और धातु के ऊपर, चूंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में कई सारी गैसें उपस्थित हैं, जिसमें से ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो धातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे ही धातुओं के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो निर्माण होता है ऑक्साइड का। यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रवण को साफ किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम रवण को साफ नहीं करेंगे तो वह आसानी से ज्वलित अर्थात दहन नहीं होगा। यही कारण है कि उदाहरण के रूप में हम एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे कि Mg2Mg+O2। जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया, ये क्या है, अभिकारक है। तो जैसे ही ये अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, तो निर्माण करेंगे 2MgO, अर्थात मैग्नीशियम का जो आपका रवण था उसने वायु की उपस्थिति में दहन की अभिक्रिया करने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पर, कि जिसमें ये पूछा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रवण को साफ क्यों किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा कि चूंकि वायुमंडल में धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, जिसके कारण वह ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, और अगर यह ऑक्साइड मैग्नीशियम के ऊपर बनी रहेगी तो मैग्नीशियम आसानी से जल नहीं सकता। यही कारण है कि मैग्नीशियम रवण को जलाने से पहले साफ किया जाता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें कुछ अभिकारक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ उत्पादों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर ए और बी अभिकारक ने अभिक्रिया की किन्हीं परिस्थितियों में और निर्माण किया सी और डी उत्पाद का। चलिए अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो रासायनिक समीकरण के लिए हमने कक्षा नवमी में एक नियम पढ़ा था। वो नियम कौन सा था बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें जो द्रव्यमान होगा, ना तो यह उत्पन्न होगा और ना ही इसका विनाश होगा, अर्थात यह क्या रहेगा, नियत रहेगा, मतलब निश्चित। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही इसका विनाश होता है, अर्थात यह निश्चित होता है। जैसे कि हम एक रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो आपका अभिकारक का कुल द्रव्यमान होगा वही आपके उत्पादों का कुल द्रव्यमान होगा।
चलिए अब हम इसको फाइनली एक प्रश्न के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही उसका विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान निश्चित होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के सदैव बराबर होता है। यही कारण है कि अभिकारकों और उत्पादकों के कुल द्रव्यमानों को बराबर करने हेतु हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा जो प्रश्न है आपका कि हम कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें एक विधि है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि क्या होता है इस विधि में? इस विधि में सबसे पहले हमें कोई एक ऐसा उदाहरण लेना होगा जिसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। उदाहरण के रूप में हम एक उदाहरण ले लेते हैं, Fe मतलब आयरन प्लस H2O मतलब जल, जो अभिक्रिया करके निर्मित करता है Fe3O4 प्लस H2। ठीक, ये हमने प्रोसेस एक में रख दिया, मतलब समीकरण एक, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, जो जो प्रोसेस आपको करनी है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक, हमने क्या किया, एक रासायनिक समीकरण लिया जो कि फिलहाल संतुलित नहीं है, जिसे हमें संतुलित करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में उपस्थित प्रत्येक तत्वों को क्या करेंगे, हम अभिकारक और उत्पादों के रूप में बांट देंगे। अभिकारक मतलब LHS और उत्पाद मतलब हो जाएंगे आपके RHS। ठीक, और यहाँ क्या कर लेंगे, हम तत्वों को लिख लेंगे। कैसे, जैसे कि इस अभिक्रिया में एक क्या है आपका लोहा, एक क्या है आपका हाइड्रोजन और एक क्या है आपका ऑक्सीजन। ठीक, लोहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लोहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, तो अभिकारक अर्थात लेफ्ट हैंड साइड लोहे के कितने संख्या है अणुओं की, एक परमाणुओं की। ठीक, हाइड्रोजन की दो, ऑक्सीजन की एक। जबकि दाहिने तरफ अर्थात राइट हैंड साइड जो है वो संख्या कितनी है, लोहे की तीन, हाइड्रोजन कितने हैं दो, ऑक्सीजन कितने हैं चार। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स के रूप में रख देंगे, अर्थात Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो बॉक्स के रूप में हम इनको इसलिए रखते हैं, इसका कारण ये है ताकि इनमें और कोई परिवर्तन ना किया जा सके। अर्थात ये जिस तरीके से ये यौगिक के रूप में या तत्व के रूप में इस अभिक्रिया में है वैसे ही रहें, क्योंकि अभिक्रिया में हम केवल जो परमाणुओं की संख्या है बस वो परिवर्तित कर सकते हैं, हम यौगिक को परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक, अब अगली जो प्रक्रिया है उसमें हमें क्या करना है, हम क्या लेते हैं, अधिक परमाणुओं वाला यौगिक सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमें H2O दिखाई देता है। अब H2O जो है, इस H2O को हमें क्या करना है, इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जैसे यहाँ ऑक्सीजन एक है और यहाँ ऑक्सीजन चार है, तो हमें इस हाइड्रोजन जो है जल के अणु को में उपस्थित ऑक्सीजन को जो है संतुलित करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Fe ज्यों का त्यों रहने देंगे, 4H2O कर देंगे, दूसरी तरफ Fe3O4 और H2 ही रहने देंगे। ठीक, अब हुआ क्या,
हमें यहाँ उपस्थित ऑक्सीजन कितने हैं, चार, और यहाँ भी कितने हो गए, चार। ठीक, ऑक्सीजन की जो संख्या थी वो चार हमारी संतुलित हो गई। ठीक, अब दूसरी प्रोसेस में हम क्या ले लेंगे, दूसरी प्रोसेस में हम हाइड्रोजन को ले लेंगे। यहाँ हमने क्या लिया था, ऑक्सीजन को संतुलित किया था, और यहाँ हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। ठीक, तो चूंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या दो है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या दो है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जो परिवर्तन किया है जिसमें हमने चार हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, कहाँ पर, अभिकारकों में, 4H2 अगर देखा जाए तो ये कितने हो जाएंगे, चार दूनी आठ, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, आठ। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, आठ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा सा यहाँ पर हम इस H2O को क्या लिख देंगे, 4H2। ठीक, तो ये कितने हो गए, चार दूनी आठ। ठीक, क्या हुआ, इसको ज्यों का त्यों लिखें, इसको ज्यों का त्यों लिखें। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण, लेकिन क्या अभी ये संतुलित है, नहीं। इसको संतुलित करने के लिए हमें लोहे की मात्रा को भी संतुलित करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, लोहे में ये देखेंगे कि ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, उत्पाद में, अर्थात क्यों ना हम इसको अभिकारक में परिवर्तित, अभिकारक में जो भी परिवर्तन होना है वहाँ कर दें। ठीक है, तो अभिकारक में परिवर्तन करने के लिए सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो समीकरण था Fe+4H2O Fe3O4+4H2, यहाँ कितने हैं, लोहे के अणु तीन, यहाँ पर भी हम तीन लगा देंगे। ठीक, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, यहीं लगाओगे आप आगे, तो अब कितने हो गए, तीन Fe, यहाँ पर भी तीन Fe। ठीक, चार दूनी आठ हाइड्रोजन, चार दूनी आठ हाइड्रोजन, ये चार ऑक्सीजन और ये चार ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो समीकरण है वह क्या है, संतुलित। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करके हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत हम किसी रासायनिक समीकरण में कैसे लिखें। भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, भौतिक अवस्थाएं मतलब आप सब जानते हैं पहले से, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस, लेकिन अभिक्रियाओं से संबंधित एक चौथी अवस्था को भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह अभिक्रियाओं में उपस्थित होती है, वो क्या है आपका, जलीय विलयन। ठीक, अब जलीय विलयन, तो अब इनको व्यवस्थित कैसे लिख सकते हैं, ठोस मतलब S, ठीक, S मतलब सॉलिड, द्रव मतलब L मतलब लिक्विड, G मतलब गैसी, और जलीय विलयन को हम दर्शाते हैं AQ अर्थात एक्वस। ओके, तो जैसे कोई भी समीकरण है तो उस समीकरण में अगर हमें दर्शाना है, जैसे कि ये है आपका Mg2Mg+O2 को आपने बना दिया 2MgO। अब ये जो आपका मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, और ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, गैस है। ठीक है, और जैसे जल है आपका, है ना, जैसे जल है आपका H2O, तो जल को हम किस रूप में दर्शाते हैं, लिक्विड। ठीक, तो इस तरीके से ये अवस्थाएं दर्शाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है अर्थात नहीं हुई है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के होने या ना होने का हमें कैसे पता चले। तो इसके लिए हमें कुछ चार पांच चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी स्थान पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है अर्थात नहीं हुई है। जैसे सबसे पहले क्या है, अवस्था परिवर्तन,
मतलब जैसे आपने किसी अभी क्रिया में अभिकारक ठोस लिया था तो वो गैस बन गई या जल बन गया या जो है आपका ठोस बन गया, ठीक, तो वो क्या होती है, अवस्था परिवर्तित हो जाती है। दूसरे, रंग का परिवर्तन हो सकता है, आप अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों को किसी दूसरे रंग का लेंगे और उसको जैसे ही उत्पाद में वो परिवर्तित होगा तो उसका रंग परिवर्तित हो जाए। तीसरा, गैस का निकलना या उत्सर्जन, मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है उदाहरण के तौर पे उस परख नली में आपको कोई गैस जो है निकलती हुई दिखाई दे। जैसे कि आप सारी धातुओं के साथ जब भी अभिक्रिया करते हो, जैसे Zn जिंक को जो है आप जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालोगे तो ये निर्माण क्या कर लेगा, ZnSO4, और जो आपकी गैस होगी हाइड्रोजन गैस वो क्या हो जाएगी, मुक्त, जो यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे हम पता चलेगा कि गैस का उत्सर्जन हुआ है अर्थात नहीं है। चौथी चीज़ क्या परिवर्तित होगी, वो है आपका तापमान का परिवर्तन। तापमान का परिवर्तन मतलब कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जैसे ये गैस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी तो ये हाइड्रोजन गैस निकलने के साथ साथ आपकी जो परखनली है, परखनली यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊष्मा के साथ निकलती है, इस कारण से यहाँ पर आपकी परखनली गर्म हो जाएगी। या फिर पांचवी चीज एक आध और हो सकती है, ध्वनि का उत्सर्जन हो सकता है कि आपकी अभिक्रिया में उत्पाद बनते समय किसी प्रकार की कोई गैस उत्सर्जित तो होती है, वही गैस जो है ध्वनि के साथ बुदबुदाहट, फुसफुसाहट या किसी प्रकार की गैस के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ये बताएंगी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल हेमंत साहू। ठीक, धन्यवाद।